नमस्कार दोस्तों, आप सबका फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे आयरलैंड वर्सेस साउथ अफ्रीका के बीच होने वाले फर्स्ट टी20 मैच के बारे में। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में बात करेंगे मैच की डिटेल्स के बारे में, पिच रिपोर्ट के बारे में, दोनों टीमों की प्रोबेबल 11 किस तरह से रहेगी उसके बारे में। मैं कुछ ऐसे प्लेयरों के स्टैट्स आपको दिखा दूंगा जिससे कि आपको आसानी हो जाएगी अपनी एक विनिंग टीम बनाने में, चाहे वो ड्रीम 11 का ऐप हो या फिर कोई दूसरा ऐप हो। तो और आखिर में ज़रूर आपको मैं ड्रीम 11 की टीम विनिंग टीम्स दिखाऊंगा जिससे कि आप अच्छी खासी अर्निंग कर सकते हैं, साथ ही साथ बेल अर्निंग कर सकते हैं या फिर आप ग्रैंड लीग या स्मॉल लीग भी जीत सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले फिर से आपसे एक बार रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर आपने मेरा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है या फिर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो ज़रूर ज़रूर मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकॉन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक करना ना भूलें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं मैच की डिटेल से। आयरलैंड वर्सेज साउथ अफ्रीका के बीच फर्स्ट टी20 मैच है दोस्तों। ये ऑलरेडी 3 ओडीआई की सीरीज हो चुके हैं जिसमें आयरलैंड ने एक मैच जीती थी और अफ्रीका ने एक मैच जीती थी और सीरीज ड्रॉ रही थी, जबकि एक मैच पानी से धुल गया था। तो अब बात, ये फर्स्ट टी20 है दोस्तों। वेन्यू की बात करें तो द विलेज मालहाइड डुलबिन है। तो अब बात कर लेते कब ये मैच, तो 19th of July रात को 8:30 बजे, यानी आज ही के दिन रात को 8:30 बजे मैच होने वाला है। आप चाहे तो अगर लाइव स्ट्रीमिंग देखना चाहते हैं तो आप ज़रूर इसे लाइव स्ट्रीमिंग फैन कोड पर देख सकते हैं। अब बात कर लेते हैं पिच रिपोर्ट की, तो पिच रिपोर्ट के अनुसार यहाँ पे बल्लेबाजों के लिए काफ़ी अच्छी पिच है दोस्तों। साथ ही साथ अगर बात कर लेते तो बल्लेबाजी तो यहाँ पे अच्छी होने ही वाली है, इसके साथ साथ यहाँ पे बाउंड्रीज काफ़ी छोटी छोटी है जिससे कि काफ़ी बड़े बड़े शॉट हमें देखने को मिल सकते हैं। हो सकता है कि हमें 4 से ज़्यादा 6 भी यहाँ पे देखने को मिल जाए। तो कुल मिला के यहाँ पे बैटिंग पिच है, तो जो भी टॉस जीतेगा ऑफकोर्स पहले बैटिंग का फैसला लेगा। अब बात कर लेंगे कि दोनों टीमों की प्रोबेबल 11 किस तरह से रहेगी। तो सबसे पहले बात कर लेंगे आयरलैंड की प्रोबेबल 11 की, तो वो कुछ इस तरह से रहेगी। पॉल स्टर्लिंग, ए बार्बलिन, के ओब्रायन, शेन गेट कार्ते, हैरे टेक्टर, जी डॉकरेल, एल टकर, मार्क अबीर, सेमी सिंह, जोश लिटल और सी यंग, इस तरह से रहेगी प्रोबेबल 11 जो आयरलैंड की है। अब बात कर लेंगे साउथ अफ्रीका के प्रोबेबल 11 की, तो वो कुछ इस तरह से रहेगी। क्वांटन डिकॉक, जे मलान, मरक्रम, बोउमा, वैन डर दुसेन, डेविड मिलर, उसके बाद डब्लू मुल्डेर, जी लिंडे, कगिसो रबाडा, लुंगी इंगिडी, एंड्रिक नोजे और तैजिब शमशी। यहाँ पे एक ही यहाँ पे चेंज हो सकता है, डब्लू मुल्डेर के जगह पे लिंडे या फिर इन दोनों में से एक कोई तो भी इन रहेगा, एक इन नहीं रहेगा। अब मैं कुछ प्लेयरों के स्टैट्स आपको दिखा दूंगा जिससे कि आप अपनी खुद की एक विनिंग टीम बना सकते हैं, चाहे वो ड्रीम 11 का ऐप हो या कोई दूसरा ऐप हो। सबसे पहले बात कर लेते पॉल स्टर्लिंग, तो ही हैज स्कोर्ड 2124 रन इन 77 टी20 इनिंग्स। इन्होंने अब तक 77 टी20 इनिंग्स खेली है जिसमें उनके 2124 रन है जो कि काफ़ी बढ़िया है दोस्तों। साथ ही साथ इनके एवरेज की बात करें तो 29.27 का है, यानी 29.27 का है जो कि काफ़ी बढ़िया है टी20 के हिसाब से। और हाई स्कोर की बात करें तो 95 यानी 95 रन है। तो ज़रूर कोशिश कीजिएगा इन्हें अपनी टीम में शामिल करने की। अब बात कर लेते हैं मरक्रम की, तो वॉज द प्लेयर ऑफ द मैच इन द फाइनल टी20 गेम अगेंस्ट वेस्ट इंडीज़। इन्होंने वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ जो आखिरी टी20 मैच हुआ था उसमें मैन ऑफ द मैच का अवार्ड इनको ही मिला था। वेयर द स्कोर 70 रन इन 48 गेम, यानी इन्होंने 48 गेंदों में 70 रन बनाए थे जो कि काफ़ी बढ़िया थे दोस्तों, जिसकी वजह से काफ़ी मतलब इनको मैन ऑफ द मैच मिला था। ओवरऑल अगर टी20 करियर की इनके बात की जाए तो इनके 310 रन है, जो एवरेज की बात करें तो 34.44 का है जो कि काफ़ी बढ़िया है दोस्तों। ज़रूर कोशिश कीजिएगा इन्हें भी आप अपनी टीम में लेंगे, और मैं भी जो ड्रीम 11 की 3 विनिंग टीम्स है उनमें लेने की कोशिश करूँगा। इसके बाद सिमी सिंह है,
showed a lot of fight in the third ODI, brought his first ODI century. इन्होंने जो अफ्रीका के खिलाफ तीसरा ODI हुआ जो वो हारे थे, इसमें काफ़ी कोशिश की थी टीम को जिताने में. साथ ही साथ इन्होंने इस मैच में अपनी ODI की पहली सेंचुरी भी लगाई थी. ही इज़ एन एक्सपीरियंस्ड, तो काफ़ी ज़बरदस्त प्लेयर है दोस्तों. 24 T20 मैचेस का इन्हें भी अनुभव है, जिसमें उनके रन 207 रन है जो कि काफ़ी बढ़िया है, और साथ ही साथ 21 विकेटें भी इनके नाम है. यानी कुल मिला के ऑलराउंडर प्रदर्शन कर सकते हैं, तो ज़रूर आप इन्हें अपनी टीम में शामिल करने की कोशिश कीजिएगा. इसके बाद जे लिटल की बात कर ले तो ये भी काफ़ी बढ़िया प्लेयर है दोस्तों. अच्छे खासे मैचेस खेलते हैं और काफ़ी अच्छे रन भी बनाते हैं. तो कुल मिला के अगर इनकी बात की जाए तो इन्होंने साउथ अफ्रीका के खिलाफ सिर्फ 2 इनिंग्स में 4 विकेट्स ली थी, जो कि काफ़ी बढ़िया है. और कुल मिला के इनके करियर की बात करें तो 17 T20 मैचेस में इन्होंने 11 विकेट्स हासिल किए, जो कि काफ़ी बढ़िया है. और इनका बेस्ट फिगर की बात करें तो 29 रन देकर 3 विकेटें इन्होंने ली थी. तो ये अच्छे ऑलराउंडर है, ज़रूर पिक करने की कोशिश करेंगे. इसके बाद शमशी जी, हाँ दोस्तों, तहजीब शमशी तो अभी फ़िलहाल काफ़ी अच्छे फॉर्म में, खास करके गेंदबाजी में. वॉज द प्लेयर ऑफ द सीरीज इन द T20 सीरीज अगेंस्ट वेस्ट इंडीज. वेस्ट इंडीज के खिलाफ मैन ऑफ द सीरीज का अवार्ड इनको मिला था. ही वॉज द मोस्ट इकोनॉमिकल बॉलर इन द सीरीज. इन्होंने काफ़ी कम इकोनॉमी से बॉलिंग की थी, करीब 4 रन की इकोनॉमी से गेंदबाजी की थी T20 मैच में वो भी, और 7 विकेट्स भी पिक की थी. तो काफ़ी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस रहा था, इसी वजह से इनको मैन ऑफ द सीरीज का अवार्ड भी मिला था. तो कुल मिला के इनको भी हम हर टीम में लेने की कोशिश जरूर करेंगे, अगर पॉइंट की दिक्कत ना आए तो. अब आखिर में बात कर लेंगे क्वांटन डीकॉक की. जी हाँ दोस्तों, ये तो इनके बारे में ज़्यादा कुछ बोलने की ज़रूरत तो नहीं है, लेकिन फिर भी बात कर लेते हैं. हैड अ सक्सेसफुल T20 सीरीज अगेंस्ट वेस्ट इंडीज. जी हाँ दोस्तों, वेस्ट इंडीज के खिलाफ इनकी सीरीज काफ़ी सक्सेसफुल रही थी. वेयर इंडेड अप टू लीडिंग रन स्कोरर, ही स्कोर 255 रन इन 5 मैचेस एट एवरेज एज 51. यानी इन्होंने वेस्ट इंडीज के खिलाफ जो सीरीज हुई थी इसमें सबसे ज़्यादा रन बनाए थे, जो कि 255 रन, और वो भी सिर्फ 5 मैचेस में. साथ ही साथ इनका एवरेज की बात करें तो वो भी 51 रन थी दोस्तों. तो काफ़ी बढ़िया दोस्तों, इन्होंने जो कि अभी आयरलैंड के खिलाफ जो आखिरी ODI भी खेला था, इसमें भी इनकी मेरे ख्याल से सेंचुरी है. यानी काफ़ी ज़बरदस्त फॉर्म में दोस्तों. इनको सिर्फ लेना ही नहीं, हमें कहीं ना कहीं कैप्टन भी बनाना है. कहीं ना कहीं आप चाहे तो वाइस कैप्टन भी इन्हें बना सकते हैं. तो काफ़ी बढ़िया है दोस्तों, ज़रूर आप इनको पिक कीजिएगा हर मैच में. तो अब बात कर लेंगे ड्रीम इलेवन के 3 विनिंग टीम्स की. तो चलते हैं उसके लिए ड्रीम इलेवन के ऐप पे. हम जैसे कि आप देख पा रहे हैं, हम ड्रीम इलेवन के ऐप पे आ चुके हैं. हम जो बात कर रहे हैं वो मैच, वो अफ्रीका वर्सेस आयरलैंड ये है दोस्तों. इस पर हमें क्लिक करनी है. आपने अगर टीम नहीं बनाई तो आप क्रिएट अ टीम कीजिए. मैंने ऑलरेडी 3 टीम्स बना के रखी है. एक एक करके मैं आपको एडिट करके दिखाऊंगा किसको मैंने लिया है, और कब आखिर में बताऊंगा किसको कैप्टन और वाइस कैप्टन बना. तो माय टीम पर क्लिक कर लेते और पहली टीम को एडिट करके यहाँ पे दिखा देता हूँ. तो ऑफकोर्स हमारे हर टीम में कीपिंग में क्वांटन डीकॉक को हम शामिल करने वाले हैं. इस वजह से हम चलते हैं अभी बैटिंग पर. तो बैटिंग में हमने पॉल स्टर्लिंग को लिया है, ए बार बरेन को लिया है. ये भी दोनों की दोनों बढ़िया बैटिंग कर रहे हैं, और काफ़ी ज़बरदस्त ODI सीरीज रही थी इनकी. उसके बाद एडम मरकम को भी हम लेने वाले हैं इस टीम में साउथ अफ्रीका की तरफ से, और जे मलान को भी लेने वाले. ODI में आखिरी ODI में भी इन्होंने भी सेंचुरी लगाई थी. काफ़ी बढ़िया प्लेयर है दोस्तों, और अच्छी खासी बैटिंग कर सकते हैं. तो इस तरह से 4 बल्लेबाजों के बाद अब ऑलराउंडर पर चलते हैं. तो जी डॉक्रेल को हमने इस टीम में शामिल किया है. उसके बाद फुलकायो को भी हम इस टीम में लेने वाले, और एस सिंह को, जैसे कि हमने स्टैट्स में देखा था काफ़ी बढ़िया स्टैट्स है इनके, तो ज़रूर इनको भी पिक करेंगे इस टीम में. तो इस तरह से 3 ऑलराउंडर हमने इस टीम में लिए है. T20 का मैच है तो ऑलराउंडर ज़्यादा से ज़्यादा होना काफ़ी अच्छी बात है दोस्तों. तो चलते हैं गेंदबाजी पर. तो गेंदबाजी में हमारे पास ऑफकोर्स जैसे कि मैंने कहा था, तहजीब शमशी को हमने इस टीम में लिया है, जे लिटल को लिया है, और तीसरे जो है एडम नोर्जे को हमने लिया है. पॉइंट की दिक्कत की वजह से हम इस टीम में रबाड़ा को नहीं ले पाए, लेकिन आगे ज़रूर कोशिश करेंगे कि हम रबाड़ा को भी टीम में शामिल करें.
तो इस तरह से पहली टीम काफी बढ़िया बन चुकी है दोस्तों। जरूर मैं आपको कंटिन्यू पर क्लिक करके कैप्टन और वाइस कैप्टन दिखा देता हूँ। तो इस टीम का कैप्टन मैंने बनाया काउंटर डिकॉक को। जी हाँ दोस्तों, काफी जबरदस्त फॉर्म में और अच्छी खासी बैटिंग कर रहे हैं दोस्तों, तो जरूर आपको काफी फायदा होगा। और देख सकते हैं 49% से भी ज्यादा लोगों ने इनको कैप्टन बनाया, तो इसीलिए मैंने इनको कैप्टन बनाया। और जे मलान इनके साथ काफी बढ़िया, इन्होंने भी लास्ट मैच में शतक किया था, तो इनको मैंने वाइस कैप्टन बनाया। आप चाहे तो चेंज कर सकते हैं वाइस कैप्टन, लेकिन मुझे लगता है कि अच्छा रहेगा ये कैप्टन और वाइस कैप्टन ओपनिंग के लिए आएंगे तो मेरे ख्याल से। और अगर अच्छी साझेदारी कर देते तो आपको सबसे ज्यादा फायदा हो सकता है। एक बार टीम प्रीव्यू करा देता हूँ। जैसे कि आप देख पा रहे हैं कीपिंग में काउंटर डिकॉक है, उसके बाद चार बल्लेबाज है हमारे पास, पॉल स्टर्लिंग, एडम मरक्रम, बार्बलिन, जे मलान। तो इस तरह से हमारे पास तीन ऑलराउंडर भी दोस्तों, डॉकरेल, फुलकायो और एस सिंह को हमने इस टीम में शामिल किया। उसके बाद हमारे पास तीन गेंदबाज है, तैजिब शमशी, जे लिटल और एडम नोजे। तो काफ़ी ज़बरदस्त टीम बनी है दोस्तों, मुझे लगता है कि ये आप ग्रैंड लीग के लिए यूज कर सकते हैं। तो इस टीम को एक बार टीम प्रीव्यू करा दिया है मैंने, तो फिर से बात करते हैं, इस टीम को सेव कर लेते हैं और दूसरी टीम को एडिट करके मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ दोस्तों। तो हम कीपर पे आ चुके हैं। जैसे कि मैंने बताया कि मैं कॉन्टेंट डिकॉक को सिलेक्ट करने वाला हूँ इस टीम में भी, आप चाहे तो किसी और को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन चलते हैं आप बल्लेबाजी पर, तो यहाँ पे भी मैंने फिर से चार बल्लेबाजों को लिया है, लेकिन यहाँ पे मैंने पॉल स्टर्लिंग को लिया है, लेकिन ए बाल बर्विन को नहीं लिया है दोस्तों। आप चाहे तो इनको ले सकते हैं पॉल स्टर्लिंग की जगह पे, देख लेते हैं। जी हाँ दोस्तों, ऐसा कर सकते हैं आप, जरूर आप इनको चूज कर सकते हैं, आप केन ओब्रायन को भी चूज कर सकते हैं। अभी मैंने बार्बलिन को ले लिया है दोस्तों। उसके बाद अब अगर आप देख सकते हैं तो आर वैन डर दुसेन को लिया है और एडम मरक्रम को भी लिया है। चौथे जो है एच टकर टैक्टर को लिया है, तो ये भी काफ़ी अच्छे चार बल्लेबाज है दोस्तों, जरूर आप इनके साथ जा सकते हैं। और फिर से हमने यहाँ पे तीन ऑलराउंडर्स को लिया है, डॉकरेल को तो लिया है, फुलकायो को भी लिया है और इस मैच में हमने जे लिंडे को लिया है। हो सकता है कि ये चेंज हो सकते हैं टीम में, क्योंकि जब ये प्लेइंग 11 में रहेंगे या नहीं रहेंगे मैं जरूर अपने टेलीग्राम पे आपको जरूर कहूँगा कि क्या चेंजेस टीम में रहेंगे। उसके बाद चलते गेंदबाजी पर, तो कगिसो रबाडा मैंने इस टीम में शामिल किया है, तैजिब शमशी को भी इस टीम में वापस लिया और जे लिटल को इस टीम में शामिल किया। तो इस तरह से ये भी टीम काफ़ी बढ़िया है दोस्तों, जरूर आप इस टीम को भी ग्रैंड लीग के लिए यूज कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। आप चलते देखते किसको कैप्टन और वाइस कैप्टन बना सकते हैं, तो मैंने इस टीम का कैप्टन बनाया है एडम मरक्रम को। इनकी भी काफ़ी अच्छी सीरीज रही थी जो वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ है, या फिर जो अभी ओडीआई में भी ठीक ठाक प्रदर्शन रहा था। इसके बाद मैंने वाइस कैप्टन बनाया है, आप चाहे तो मरक्रम के साथ मैंने पॉल स्टर्लिंग को वाइस कैप्टन बनाया, तो आप जरूर चेक कर देख सकते हैं। आप पॉल स्टर्लिंग के जगह पे आप मैंने बार्बलिन को लिया था, लेकिन मैं मुझे लगता है कि पॉल स्टर्लिंग को भी हम इस टीम में ले सकते हैं बार्बलिन के जगह पे, अगली मैच टीम में उन्हें भी लेने की कोशिश करेंगे। तो इस टीम का कैप्टन मैंने फिर से बता देता हूँ कि एडम मरक्रम को बनाया, पॉल स्टर्लिंग को वाइस कैप्टन बनाया। तो चलते टीम प्रीव्यू एक बार कर लेते हैं। तो इस टीम में फिर से मेरे पास डिकॉक है कीपिंग में, वही तो चार बल्लेबाज है दोस्तों, पॉल स्टर्लिंग, आर वैन डर दुसेन, एडम मरक्रम और एच टेक्टर को इस टीम में शामिल किया है। तो वही हमारे पास फिर से तीन ऑलराउंडर हो जाते हैं, जे लिंडे, फुलकायो और डॉकरेल को हमने इस टीम में शामिल किया है। तो वही गेंदबाजी में हमने यहाँ पे कगिसो रबाडा को लिया है, एडम नोजे को नहीं लिया है, तेजीब शमशी को तो हमने फिर से रखा है दोस्तों, और जे लिटल को लिया है। तो काफ़ी बढ़िया टीम है, जरूर आप इसको ग्रैंड लीग के लिए भी यूज कर सकते हैं और स्मॉल लीग के लिए भी यूज कर सकते हैं। एडम मरक्रम को हमने कैप्टन बनाया, तो वही कैप्टन पॉल स्टर्लिंग को बनाया, तो काफ़ी बढ़िया टीम है, जरूर ग्रैंड लीग के लिए यूज करने की कोशिश कीजिएगा। इसके बाद इस टीम को भी सेव कर लेते हैं और तीसरी और आखिरी टीम को एडिट करके दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे जैसे कि आप देख पा रहे डिकॉक को लिया है हमने कीपिंग में, लेकिन यहाँ पे मैंने पांच बल्लेबाज लिए, पॉल स्टर्लिंग, ए बार्ल पाल परिन, उसके बाद हमने आर वैन डर दुसेन और हैनरिक्स को लिया है इस बार, तो काफ़ी बढ़िया। और उसके बाद जे मलान को भी इस टीम में शामिल किया है, काफ़ी बढ़िया है दोस्तों। पांच बल्लेबाज लिए, लेकिन उसके वजह से हमारे पास ऑलराउंडर दो ही रहेंगे। इस टीम में मैंने पिटोरियस को लिया है और एम अडेर को लिया है, तो ये दोनों के दोनों भी काफ़ी अच्छे ऑलराउंडर साबित हो सकते हैं अगर ये प्लेइंग 11 में रहे तो, नहीं तो हम जरूर आपको टेलीग्राम पे बता देंगे कि अगर ये नहीं है खेलते तो ज़रूर बता देंगे। तो
तो इस तरह से दो ऑलराउंडर को लेने के बाद गेंदबाजी पर चलते हैं। तो इस बार मैंने कग्गिस रबाड़ा और तहजीब शमशी को नहीं लिया है, इस बार जे लिटल को लिया है, वो सी यंग को लिया है और इंगिडी को लिया है, ताकि ये भी अगर अच्छा परफॉर्मेंस करते तो कम से कम एक टीम को तो हमारे फायदा हो ही सकता है, जिसकी वजह से मैंने इस टीम में ये तीन गेंदबाजों को शामिल किया है। तो इस तरह से अगर आप चाहें तो पॉल स्टर्लिंग को नहीं ले, और अगर उसकी जगह पे डॉक्रेल, फुलकायो, एस सिंह, लिंडे, ये सारे ऑप्शन है दोस्तों आपके पास। कग्गिस रबाड़ा का भी एक ऑप्शन है, चार गेंदबाजों के साथ अगर आप जाना चाहें तो ज़रूर इनको भी शामिल कर सकते हैं। तहजीब शमशी को भी और नटजे को भी ले सकते हैं, काफ़ी सारे ऑप्शन है दोस्तों, तो ज़रूर आप ट्राई कर सकते हैं पॉल स्टर्लिंग की जगह पे। लेकिन यहाँ पे मुझे लगता है कि आप बैटिंग में जाएंगे तो केविन ओब्रायन को ले सकते हैं, क्योंकि ये भी एक 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 टीम में हमारे रहेंगे तो अच्छा परफॉर्मेंस करते हैं तो फ़ायदा हो सकता है। इस वजह से मैं अभी फ़िलहाल केविन ओब्रायन को ही इस टीम में लेता हूँ। तो फिर से कंटिन्यू पर क्लिक कर लेते हैं और देख लेते हैं कैप्टन और वाइस कैप्टन। तो इस टीम का मैंने कैप्टन बनाया ए बाल बरीन को बनाया, जो कि काफ़ी बढ़िया रही थी उनकी ओडीआई की सीरीज, काफ़ी अच्छे रन बनाए थे इन्होंने और अच्छे खासे बल्लेबाज है, तो ज़रूर आप इन पर भी दाव लगा सकते हैं। वाइस कैप्टन की बात करें तो मैंने आर हेनरिक्स को बनाया, आप चाहे तो किसी और को भी बना सकते हैं, जैसे कि आप जे मलान, केविन ओब्रायन को भी बना सकते हैं, आर वैंडर दुसेन को भी बना सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि ये काफ़ी अच्छी जोड़ी रहेगी और अगर सक्सेस होता तो काफ़ी आपको फ़ायदा हो जाएगा। टीम प्रीव्यू एक बार फिर से करा देता हूँ, जैसे कि कीपिंग में हमारे पास कॉन्टन डिकॉक है, उसके बाद केविन ओब्रायन, आर हेनरिक्स, आर वैंडर दुसेन, बाल बरीन, उसके बाद जे मलान, इस तरह से पांच बल्लेबाज और एक कीपर हमारे पास है दोस्तों। उसके बाद हमारे पास दो ऑलराउंडर प्रिटोरियस और एम मर्दीन, तो इस तरह से हमारे पास दो ऑलराउंडर के बाद तीन गेंदबाज है, सी यंग, लुंगिंगिडी और जे लिटल, तो काफ़ी बढ़िया टीम है दोस्तों। आप चाहे तो इसे ग्रैंड लीग के लिए यूज कर सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि ये टीम स्मॉल लीग के लिए ज़्यादा बेटर रहेगी, क्योंकि थोड़ा रिस्क लिया है मैंने यहाँ पे, लेकिन आप चाहे तो ज़रूर इस ग्रैंड लीग के लिए भी लगा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो इस तरह से ये टीम भी काफ़ी बढ़िया है, कप्तान मैंने बार्लिन को बनाया और वाइस कैप्टन हेनरिक्स को बनाया, तो काफ़ी बढ़िया टीम है दोस्तों, ज़रूर इस पर भी दाव लगा सकते हैं। तो इस टीम को अभी हम सेव कर लेते हैं और अब आखिर में जरूर कहूँगा, अगर आप चाहे तो कुछ चेंजेस तीनों टीमों में कर सकते हैं, और मेरे कैप्टन और वाइस कैप्टन से भी अगर आप सहमत नहीं तो वो भी आप यहाँ पे चेंज कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों, लेकिन ज़्यादा चेंजेस मत कीजिएगा दोस्तों, थोड़ा रिस्की साबित हो सकता है, क्योंकि काफ़ी सोच समझ कर बनाई हुई टीम है, तो इस पर आप ज़रूर दाव लगा सकते हैं। तो आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो और ये टीम्स काफ़ी पसंद आई होगी, अगर पसंद आई तो इसे लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कर दीजिए, साथ ही साथ मुझे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, और साथ ही साथ बेल आइकॉन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक करना ना भूले, ताकि इसी तरह के अच्छे अच्छे वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँच सकें। तो ठीक है दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।